purpose we have a pakistan museum of natural history islamabad so you can visit that museum we have a collection of insects and different arachnids in that museum we have a dry preservation and liquid preservation in pakistan museum of natural history islamabad had specimens ke basically नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में या किसी भी म्यूजियम में क्यों रखा जाता है जैसा कि इमेज़ uh, में भी आपको शो हो रहा है कि देयर इज़ लाइक इफ वी टाक अबाउट द लाइब्रेरी वी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आर इन द लाइब्रेरी इन डिफरेंट सीक्वेंस इन डिफरेंट ऑर्डर एंड समट टू स्टडी दैट बुक ही कैन ईजीली पिक दैट बुक एंड स्टडी दैट बुक सो so, इसी तरह अगर स्पेसिमेंस को नेचर को डायवर्सिटी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं डे बाय डे डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है अगर हम डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पीशीज़ डिस्कवर कर रहे हैं कोई भी न्यू स्पीशी डिस्कवर हुई है सो वी हैव टू सबमिट दैट स्पीशी इन एनी म्यूज़ियम इन एनी कलेक्शन तो इस तरह आप कोई भी नई स्पीशी या कोई दूसरे स्पेसिमेंस न्यू रिकॉर्ड्स न्यू स्पीशीज जो है वो किसी ना किसी म्यूज़ियम में कलेक्शन में सबमिट किए जाते हैं तो कोई भी उसके बाद साइंटिस्ट uh, कोई स्टूडेंट कोई रिसर्चर जो उस स्पेसीमन को देखना चाहे एक्सप्लोर करना चाहे उसके करेक्टिक को कंपेयर करना चाहे तो वो इजीली उस स्पेसीमन uh, तक उस म्यूज़ियम तक uh, उनको एक्सेस हो वो उसे अप्रोच कर सकें उन स्पेसिमेंस uh, के साथ अपनी कलेक्शन को कंपेयर कर सकें बेसिकली कलेक्शन प्रिजर्व करने का म्यूज़ियम में रेफरेंस बेस्ड कलेक्शन का ये मकसद होता है कि आपकी जो कलेक्शन है आपने जो डेटा जो डाइवर्सिटी किसी कंट्री से रिकॉर्ड हुई है रिपोर्ट हुई है तो वो हमारे पास एज़ ए रेफरेंस कहीं ना कहीं किसी म्यूज़ियम में किसी कलेक्शन में वो प्रिज़र्व पड़े हों तो म्यूज़ियम में जो है वो इसी तरह स्पेसिमेंस की जो है वो कैटलॉगिंग की हुई है डिफरेंट म्यूज़ियम में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उनमें फुल जो है वो आपको जैसे कि डायग्राम में नज़र भी आ रहा है फुल कबर्ड्स हैं उनमें डिफ़रेंट ड्रॉज़ हैं केबन्स बने हुए हैं और उनमें हर केबन में एक डिफरेंट कलेक्शन है और उस कलेक्शन पे मेंशन है कि वो कहाँ से रिपोर्ट हुई है उसकी क्लासिफिकेशन भी मेंशन है वो स्पेसिमेंस का ईच एंड एवरी उसके ए फैक्टर उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो उस म्यूज़ियम की कैटलॉग में महफूज होता है और हम किसी भी म्यूज़ियम के किसी भी स्पैसीमन को अप्रोच करें तो उस स्पेसिमेंस के लोकेलिटी हैबिटेट कलेक्टर नेम डेट ऑफ कलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है उस स्पैसीमन की मिल जाती है इजीली अब जैसा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो एक ही म्यूजियम में पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस्लामाबाद में हमारे पास इंसेक्ट्स की अरैक्नर की कुछ कलेक्शन पड़ी हुई है ड्राई और वेट प्रज़र्वेशन में और इसके अलावा जो है इसके अलावा तो अभी किसी और म्यूजियम में बिल्कुल इस तरह विज़िटर्स के लिए तो नहीं है कहीं कंटिन्यू हो तो और बात है मैंने अपनी जो कलेक्शन ऑल ओवर दी पाकिस्तान अरैक्नर में स्पाइडर्स की, की है तो वो मेरी सारी कलेक्शन जो है वो मैं आपको लर्निंग के लिए ही बता रही हूँ कि आई हैव सबमिटेड माई आल कलेक्शन एट जेड एफ़ एम के म्यूज़ियम जर्मनी एंड माई ऑल स्पेसिमेंस विद एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कलेक्शन इज़ कैटलॉग्ड इन दैट म्यूज़ियम ऑफ जर्मनी सो बिल्कुल इसी तरह जैसा डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है और जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिट्रिकल उनमें कलेक्शंस होती है जिसमें उनको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और इसके अलावा जब आप लार्ज स्केल पे स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इनको डेड स्पेसिमेंस को भी डैमेज का अटैक होता है कि वहाँ पे दूसरे इंसेक्ट लाइव इंसेक्ट इन कलेक्शन को डैमेज ना कर दें विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू फेस द इशू ऑफ टेम्परेचर वी हैव टू फेस द इशू ऑफ ह्यूमिडिटी वी हैव टू अदर डिग्रेडिंग फैक्टर्स दैट विल डैमेज दैट कैन डैमेज दीज इंसेक्ट्स इन दीज़ कुलशंस तो इसलिए जो है वो सारे म्यूज़ियम्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज बनाए जाते हैं कि ताकि वहाँ पर ये सारी कुलेक्शंस प्रिजर्वड डेकेट्स तक जो है सेंचुरीज तक वहाँ पर ये स्पेसिमल प्रज़र्व ये डाइवर्सटी रिकॉर्ड रहे ताकि आने वाले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो है वो उनसे फ़ायदा उठा सकें और उनको एज़ ए रेफरेंस पैसीमन यूज़ कर सके तो वहाँ पे इन स्पेसिम्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और इन पे भी जो है वो पेस्ट के अटैक को रोका जाता है ताकि इनको भी कोई इंसेक्ट जो है वो डैमेज ना करें और वहाँ पे जो है ये सारी कलेक्शंस को प्रॉपर जो है वो इसके लिए पूरी पूरी जो है वो म्यूज़ियम फिक्स हैं जहाँ पर सिर्फ इंसेक्ट की कलेक्शन होती है तो आप जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं डिफरेंट यूट्यूब uh, पे वीडियोज़ देख सकते हैं किसी भी म्यूज़ियम के विज़िट की जहाँ पर इंसेकट क्लेक्शन जो है वो सारी प्रिजर्व है इसके अलावा जो है वो आप पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ज़रूर विज़िट करें यू कैन फाइंड द डिफरेंट कुलैक्शनज ऑफ इंसेक्ट एंड डिफरेंट अरकिनिर्स एंड डिफरेंट अदर आर्थरोपोर्स इन दैट कुलेक्शन